श्रोताओं नमस्कार। जन सरोकार मंच टोंक के द्वारा मैं कृष्ण कुमार शर्मा राजस्थान अजमेर से हूँ। पार्थी अपनों के नाम एक श्रृंखला ची आयोजित की गई थी, जिसके तहत मैंने भी पत्र लिखा, जिसे वाचन करने का मेरे सुअवसर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस जन सरोकार मंच का आभार किस रूप में करूं यह तो नहीं जानता, पर मैं तहे दिल से इसका बहुत आभारी हूं, क्योंकि इसने मुझे मंच के माध्यम से आप सब श्रोताओं के बीच में छोड़ा है और भक्त वाचन का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस जन सरोकार मंच के सभी संचालकों को, संयोजकों और पाती लॉकडाउन के भी सभी महानुभावों को, प्रबुद्ध मंच को सलाम करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इतना ही नहीं, मेरे श्रोता भी मेरे प्रियजन हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं और मेरे पाठन को, वाचन को सुनेंगे, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, क्योंकि बिना श्रोताओं के पूरी महफिल अधूरी होती है। क्षमा चाहूँगा, कोई गलती रही तो क्षमा करें। श्रोताओं को छोटा परिचय मैं आपको अपने बारे में भी दूंगा, क्योंकि मैं और आप अभी अनभिज्ञ हैं। मैं कृष्ण कुमार शर्मा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर में कार्यरत था। मैंने अपनी ज्वाइनिंग 2 सितंबर 1985 को अपनी सेवाएं एक लिपिक के रूप में, जिसको हमने पद सहायक प्रथम के नाम से शुरू किया, उस पर मैंने अपनी सेवाएं प्रारंभ की। तत्पश्चात निरंतर कार्य करते करते आवश्यक लोगों के आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से, उस ईश्वर की अनुकंपा से मुझे सहायक अनुभाग अधिकारी पद तक जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ, जो आपके मैं समक्ष सब कुछ अपनी भावनाएं व्यक्त करूंगा। मुख्य धारा में आने से पूर्व मैं आपको यह भी बताऊंगा कि 2019 में जब मेरा रिटायरमेंट हुआ, उससे पूर्व भी मेरी जन्मस्थली कर्मस्थली सब अजमेर ही रही है, क्योंकि मेरा जन्म भी अजमेर में ही हुआ था। और मैंने अपनी निरंतर 34 वर्षीय लगभग सेवाएं पूरी करके मैंने अपना रिटायरमेंट बड़े सुविधा तरीके से कराया, और जिसमें मेरे को समारोह भी बहुत अच्छा, अप्रिसिएशन सबकी मिली। लेकिन इसको दुर्भाग्य समझे या सौभाग्य समझे, मुझे ऐसा अवसर मिला कि रिटायरमेंट के 31 दिसंबर 2019 के बाद मार्च माह के अंत में लॉकडाउन का समय देखने को मिला। मेरी लाइफ का ये पहला समय था जो ऐसी महामारी के बारे में मैंने सुना, देखा और जाना, पढ़ा, सभी कुछ हुआ। वो सब श्रोता सब आप सभी विज्ञ हैं, मैं इस समय कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ये कहना चाहूँगा कि मुझे इस समय में ऐसा अवसर मिला कि जो शायद अब नहीं मिलता, मुझे आगे भी नहीं शायद मिलता। जो मुख्य धारा एक जो मेरी काफ़ी समय पूर्व, आज से 10 साल पूर्व लगभग, मैंने कविता लेखन शुरू किया था, किन्हीं कारणों से, वो समझे पारिवारिक परिस्थितियों के कारण, ऑफिशियल परिस्थितियों के कारण वो मैं छोड़ चुका था, उसको मैंने मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयत्न किया, क्योंकि समय व्यर्थ करने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैंने उस समय का उपयोग किया और मैंने फिर कुछ अपनी लेखनी को उठाया और चंद लाइनें लिखना शुरू किया, जो कविता का रूप था। उसी रूप में मैंने चंद कविताएं लिखी, जैसे मैं आपको अनुभव के लिए बताऊंगा, माँ पर मैंने कविता लिखी, परशुराम जयंती पर कविता लिखी, मैंने कोरोना महामारी के बारे में ली कविता लिखी, इस प्रकार मैंने कई कविताएं, चुनिंदा कविताएं ली। लगभग मैंने 20-25 कविताएं अभी तक लिख चुका हूँ मैं। फिर मैंने इस कविताओं को अपने ज्येष्ठ साहित्यकार, जो मेरे ऑफिस के एक साथी थे, जिनका नाम मैं लेना यहाँ उचित समझूंगा, देवदत्त शर्मा जी, जो बहुत अच्छे साहित्यकार भी हैं, संभवत वो भी इस मंच से जुड़े होंगे, उन्होंने मुझे, जब मैंने उनको मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, कविताएं भेजी, तो उन्होंने उसको बड़ा अभिषेक किया। उन्होंने यहाँ तक भी कहा मुझे कि अरे भाई के शर्मा जी, आप कहाँ छुपे थे इतने दिन से? तो मैंने कहा, शर्मा साहब, मैं आपके साथ ही था, मैं उस समय सिर्फ श्रोता हुआ करता था और परिस्थिति कारण से मैं ऐसा कुछ कंटिन्यू अपनी लेखिंग को कंटिन्यू नहीं कर पाया था, तो अगर नहीं आप शुरू करो, तो उनकी प्रेरणा से ये समझें। और उसके बाद मेरे एक साथी जो कि माउथ ऑर्गन बहुत अच्छा गाते हैं,
और सहायक निदेशक श्री विजेंद्र चतुर्वेदी जो थे, उन्होंने भी मेरे को मेरी जो कविताएं थी उनको अप्रिशिएट किया। इस प्रकार मैंने अपनी लिखनी को अपनी प्रारंभ किया और मैंने फिर बार कविता ली। इसी बीच में हमें इस कोरोना बीमारी से संबंधित कुछ लॉकडाउन के अनुभवों को लिखने का एक मौका मिला, जो काफ़ी लोगों को भी मिला, और वो उसमें मैंने एक पत्र लिखा जिसको मुझे एक पुस्तक के माध्यम से स्थान मिला, जिसका मुझे आपके सामने वाचन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। धन्यवाद श्रोताओं, मैं पुनः एक बार धन्यवाद दूंगा और पुनः अपनी मेन धारा में आऊंगा। पाती लॉकडाउन के नाम मैंने एक पत्र लिखा है, वो मैं वाचन करना चाहूंगा। धन्यवाद आपका। तो सुनिए श्रोताओं, कोरोना महामारी के चलते राजस्थान प्रदेश में मार्च माह के अंतिम सप्ताह से लगातार जनता की भलाई के लिए लॉकडाउन लगाया गया। संभवतः ये मेरे जीवन काल में पहली बारी मुझे देखने को मिला, और वह भी जब सारी शिक्षण संस्थाएं, व्यापारिक संस्थाएं, कल कारखाने, खान पीन की चीजें, स्टॉल आदि छोटी मोटी जितनी वस्तुएं थी सारा की सारा बंद कर दिया गया। इस प्रकार समस्त सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं भी बंद कर दी गई। ऐसे में जिंदगी में सभी के साथ एक ठहराव सा आ गया। लॉकडाउन के चलते निचले स्तर पर जो भी व्यक्ति थे, जो बेचारे रोजमर्रा की जिंदगी व्यतीत करते थे, उनको भी बड़े परेशानी का सामना करना पड़ा, और खास तौर से उनके जीवन यापन करने से संबंधित पेट भरने के साधन की भी समस्या खड़ी हुई। इससे वो दैनिक रोजी रोटी भी कमाने में अक्षम हो गए और उसका प्रभाव पड़ा, आप स्वयं समझते हैं। खैर, जो भी हुआ, इस जीवन को बचाने के लिए ऐसा करना बहुत ही नितांत आवश्यक था और अनिवार्य कहा जा सकता है, क्योंकि जीवन है तो भविष्य बिना उसके कोई मतलब नहीं है। तो श्रोताओं, इस लॉकडाउन काल ने प्रत्येक मनुष्य को प्रकृति को अपने रूप से समझने का और उससे जुड़ने का मौका जरूर मिला, और मुझे भी ऐसा अवसर प्राप्त हो गया, जिसका वर्णन मैं अवश्य आपके सामने करूंगा इस माध्यम से। शुरुआती दिनों में मुझे बहुत सारी निराशा महसूस हुई, ऐसा लगा अपन क्यों फालतू है, क्या करें क्या नहीं करें, किम करते विमूढ़ हो गया। लेकिन श्रोताओं, फिर धीरे धीरे मैं अपनी थोड़ा चिंतन किया, मैंने फिर मैंने वापस अपनी मुख्य धारा कविता लेखन पर आया। चिंतन करने करने के बाद सकारात्मक अनुभव मैंने प्राप्त किए। मेरे कार्यालय के कार्य के दौरान अव्यवस्थित जीवन से पृथक होकर नियमित रूप से प्रकृति का आनंद लेने लग गया मैं, और उसका मौका मेरा भरपूर मिला। साथ ही सुबह जल्दी उठना, दैनिक प्रतिक्रियाओं से निवृत्त होने के बाद भ्रमण करना, योगासन, प्राणायाम, इन सब का मुझे बहुत आराम से लंबा समय मिला। उस समय पर मेरे पास और कुछ चारा भी नहीं था, सिर्फ लेखनी थी, वह मैं करता था। उस पर मेरे द्वारा बहुत अमल किया, मेरी जिंदगी का हिस्सा जो बन गया था वो मैंने चालू रखा। रोजाना खुली छत पर स्वच्छंद वातावरण में खुले आकाश के तले घूमा, उससे मुझे ऊर्जा का संचरण भी हुआ, और मैंने महसूस किया कि पुराने लोग वास्तव में सुव्यवस्थित जीवन शैली किस प्रकार जीते थे और संतोषपूर्ण जीवन कैसे उनको मिल पाता था। मुझे शुरू से ही शोर शराबा, कर्कश ध्वनि, अनशन झगड़े आदि जो होते थे वो सब नहीं कर पाता था। ऐसे में महामारी के चलते सभी जगह माहौल शांत सा मिला। झगड़ा, फिसाद, वाहनों के हॉर्न की ध्वनि, अन्य ध्वनि प्रसारण यंत्र जो रोक दिए गए, उससे मेरे को बहुत ही सुकून मिला लाइफ में। इतना ही नहीं, अपितु सिर्फ पढ़ो। प्रकृति को भी इस प्रदूषण से मुक्ति मिली। सुबह शाम मेरे स्वतंत्र वातावरण में योग प्राणायाम एवं टहलने का समय आसानी से मिला, और स्वच्छंद विचरण करते हुए पक्षियों की जो विभिन्न आवाज करते हुए उड़ रहे थे, उन्हें देखकर लगता था मानो ये आपस में बातें कर रहे हों कि हे प्रभु, इतने समय बाद आपने हमें सुकून का जीवन दिया और वातावरण दिया और स्वतंत्र घूमने का
जो हमको अवसर मिला है। काश ऐसे प्रदूषण जैसे नारद से मुक्ति हमें हमेशा के लिए मिल जाती। मेरे मन में विचार आया, अब ये बिना बोले पक्षी है सारे, इनको किस प्रकार से इन पशु पक्षियों के लिए खाने आदि की व्यवस्था की जाए। तो मैंने अन्न और पानी की व्यवस्था अपने कर्तव्य को निर्वाह करते हुए इनके लिए व्यवस्था की। अतः मैंने अपने घर में ही पानी और दाने की व्यवस्था को साकार दिया सपना, और शायद इस रूप में मैं शायद पुण्य का भागी भी रहा। एवं 33 करोड़ देवताओं को वास करने वाली गौ माता के लिए नियमित समय पर मेरे परिजनों द्वारा रोटियां निकालना हमारे परिजनों की दिनचर्या का अंग बन गया था, और उन्हें गायों को वितरण करना भी एक हिस्सा था। मैंने अपने दो बच्चों के परिवार के साथ, उनसे छोटी मोटी नोक झोंक के साथ प्राचीन खेलों को भी प्रारंभ किया और उसका आनंद लिया, जैसे ताश खेलना, लूडो खेलना, सांप सीढ़ी खेलना, चंगा पो आदि आदि खेल मैंने खेले, और उसमें मेरी पुरानी बचपन की यादें भी ताजा रही। समय पर घर का बना ताजा गर्मा गर्म खाना मिलता था और नाश्ता ही मुझे मिलता था, और वह भी घर में मौजूद साधनों से, क्योंकि लॉकडाउन में सभी बंद था। स्वच्छ स्वच्छ और जायकेदार जैसे छाछ, राबड़ी, कचौड़ी, समोसा, मुरब्बा, अन्य अनेक प्रकार के व्यंजन आदि का मुझे बहुत आनंद मिला, जो कि बिना लॉकडाउन के किसी हाल में भी संभव नहीं था शायद। कुछ समय मैंने इंटरनेट के माध्यम से जानकारी हासिल करके मेरे परिजन के सहयोग से समझे किसी प्रकार से मैनेज करके, पुराने अखबार थे, रद्दी कबाड़, बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिससे हम हमारे घरों को सजा सकते थे, तो मैंने सजावटी फूल, पौधे, चित्र आदि बनाकर घर में कुछ सज्जा का काम भी किया। इसके साथ ही रंग बिरंगे फूल पौधों का रोपण भी अपने घर के कच्चे आंगन में किया, जो आज लगभग 3-4 माह के बड़े हो चुके हैं, और उसमें एक दो फल और छायादार वृक्ष भी लगाए, ताकि उनकी देखरेख से मेरा प्रकृति के साथ जुड़ाव भी बना रहे और उनकी नियमित देखभाल करना मेरा कर्तव्य हो गया। अब तो मेरा जीवन या दिनचर्या जो है उनके साथ ही बीतने लगी है। इस प्रकार मेरा जीवन बहुत अच्छे से हो रहा है। एक विशेष रुचि जो एक लगभग एक दशक मेरी थी, मेरे जीवन की भागदौड़ में जो छूट चुकी थी, उसे शुरू करने का मौका कविता लेखन के रूप में मुझे मिला, जो मैं आपको अभी अपने परिचय में भी शेयर कर चुका हूँ। इसी बीच मैंने कुछ कविताएं विभिन्न विषयों पर लिखी, जिनमें व्हाट्सएप और FM के माध्यम से मैंने लोगों को शेयर किया और मैं बहुत प्रशंसा पाई। ये क्रम मेरा अनवरत अभी भी जारी है। मैं COVID-19, मजदूर दिवस, माँ रामराज्य, परशुराम जयंती पर अनेक कविता लिख चुका हूँ, जिनमें ये चुनिंदा कविता आपको मैंने वाचन की। लेकिन उनमें से एक अच्छी कविता जो मुझे पसंद थी, वो मैं आपके समय रखना चाहूँगा, जो लॉकडाउन में मैंने शेयर भी की। COVID-19 महायुद्ध, यह युद्ध अनोखा है यारों। COVID-19 महायुद्ध, यह युद्ध अनोखा है यारों। केवल संयम और दूरी से जीत पाएंगे हम प्यारों। केवल संयम और दूरी से जीत पाएंगे हम प्यारों। ना कोई ढाल तलवार यहाँ, ना कोई ललकार रही यारों। ना कोई ढाल तलवार यहाँ, ना कोई ललकार रही यारों। मास्क दूरी और सैनिटाइजर से जीत पाएंगे इसे प्यारों। मास्क दूरी और सैनिटाइजर से जीत पाएंगे इसे प्यारों। उक्त सर्वात्मक या सकारात्मक अनुभव के साथ एक मुझे कटु अनुभव भी प्राप्त हुआ कि शादी समारोह, जन्मदिन पार्टी में अपने व्यक्तिगत लोगों, रिश्तेदारों में, दोस्तों आदि में जाते थे, वो नहीं जा पाए, उनसे मिलना जुलना नहीं हुआ, और जो आनंद उनके व्यक्तिगत संपर्क से मिलता है वो नहीं ले पाया, उससे मैं वंचित रहा। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारे जीवन का आवश्यक एक अंग भी है। इसके बिना जीवन बिल्कुल असंभव तो नहीं मानूंगा, वरन कठिन अवश्य था, जो मुझे कटुनो भी रहा। धन्यवाद। कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहूंगा। इसी के साथ
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।